हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दी फॉर्मूलाज एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द टॉपिक मोशन इन अ प्लेन तो वेक्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच का एंगल है थीटा तो उनका हम सम और डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मैच करा के ड्रॉ करेंगे और उनकी मदद से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो दोनों की ये जो कॉमन टेल्स यहां पर मीट हो रही हैं उस पॉइंट से निकलने वाला जो डायगनल है दैट इज द सम ऑफ द टू वैक्टर्स तो ये जो वैक्टर सी आएगा दिस इज ए प्लस बी इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस थीटा स्मॉल ए वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स तो सम के साथ हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं उससे पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शन देख लेते हैं मान लेते हैं ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी थीटा आप ध्यान रखेंगे अगर ए के साथ आप ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म बी साइन थीटा आएगी और नीचे ए प्लस बी थीटा आएगी अगर आप ये एंगल बी वेक्टर के साथ निकालते तो यहां ऊपर नीचे ए और बी की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती अब डिफरेंस देखते हैं तो हमने फिर से पैरेलोग्राम बनाया सम लेने के लिए हमने कॉमन टेल से निकलने वाला डायग्नल देखा था ये जो दूसरा डायग्नल होता है दैट विल गिव यू द डिफरेंस और इस एरो का हेड ए वेक्टर के हेड से मैच कर रहा है यानी कि ये हो गया ए माइनस बी अगर मैं एरो उल्टा बनाता हेड बी को मैच करता तो वेक्टर ए माइनस का उल्टा यानी कि बी माइनस वेक्टर हो जाता सेम मैग्निट्यूड लिए हैं सम के केस में यहां प्लस आता है प्लस टू ए बी कॉस्थीटा डिफरेंस में माइनस टू ए बी थीटा आएगा आगे चलते हैं अगर वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में है आपके पास एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है दोनों वेक्टर्स का तो आप किसी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेट का स्क्वायर सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही निकलेगा अगर आपको दोनों वेक्टर्स ऐड करने हैं तो आप दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट को ऐड कर देंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट ए और बी का ऐड होगा वाई कॉम्पोनेंट भी ऐड होगा और अलग से जेड कॉम्पोनेंट भी ऐड होगा एंड दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट वैक्टर ठीक है अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस एवा प्लस बीवाई का स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर बेसिकली तीनों कॉम्पोनेट्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उनका रूट ले लेंगे दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट अगर आपको दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे के कॉम्पोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आगे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं सबसे पहला सिंपल केस है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड तो जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका है वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे अलोंग द ग्राउंड एक्स एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल तो ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा और फाइनली वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा थ्रू आउट द मोशन सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी तो थ्रू आउट द मोशन उसकी एक्सेलरेशन होगी जी टूवर्ड्स द अर्थ तो यहां पूरे मोशन का टाइम पीरियड जो है टाइम ऑफ फ्लाइट वो होगी टू यू साइन बाय जी ये फॉर्मूलाइन टू थीटा बाई जी आप साइन टू थीटा को ओपन करके टू साइन थीटा थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं वो फॉर्मूला भी काफी यूज होता है टू यू स्क्टा कॉस्थीटा बाई जी हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला और मैक्सिमम हाइट ये एक जो पॉइंट है जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी इसके अलावा अगर मैक्सिमम रेंज आपको निकालनी है गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए तो थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री होनी चाहिए उससे रेंज का फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है उस केस में अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो रेंज की वैल्यू सेम आती है बेसिकली आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो ये फंक्शन वापस सेम आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 डिग्री से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे विद द इनिशियल वेलोसिटी यू और उसी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री पे फेंकेंगे दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा अब किसी भी टाइम टी पे मान लेते हैं पॉइंट पी एक्स कोमा वाई जो है यानी कि ये एक कोऑर्डिनेट है जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन ठीक है तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ पाथ तो इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री होती है x tan थीटा वाई इज इक्वल टू एक्सटैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर थीटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसी रिजल्ट को हम रेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं वाई x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर तो ये हो गया हॉरिजोंटल आपका ग्राउंड से फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल नाउ वी विल डिस्कस हॉरिजोंटल प्रोजेक्टाइल जिसमें हम एक टावर से हॉरिजोंटली प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं अगेन पैराबोलिक पाथ में ऑब्जेक्ट नीचे आके टकराएगा। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी तो इस क्वेश्चन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब ऑब्जेक्ट वापस ग्राउंड पे टकराता है तो उसका टाइम आ जाता है अंडर रूट टू एच बाई जी। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टावर के बेस से कितनी दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा उसकी वैल्यू आ जाती है यू इंटू अंडर रूट टू एच बाई जी जनरल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे बाय चूजिंग अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूजुअली हम राइट right पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव चूज करते हैं और जिस पॉइंट से फेंका है उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं इस एनालिसिस के थ्रू आप ये सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं आगे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन कैसे निकालेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे 1 यहां पर क्या है ऑब्जर्वर अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन आ जाएगा तो रिलेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वन होता है माइनस आप ध्यान रखेंगे ये सब वेक्टर्स हैं Vectors की फॉर्म में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या करेंगे वी टू माइनस वी वन को लिख सकते हैं वी टू प्लस माइनस वी वन ठीक है माइनस वी वन वैक्टर उसको V2 में एड कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन हमारे पास आ जाएगी सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर इस इक्वेशन को वापस डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए टू विद रिस्पेक्ट टू वन हो जाएगा ए टू माइनस ए वन इसको जनरली ए रिलेटिव की फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन में लिखा जा सकता है अगर ए रिलेटिव कॉन्स्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से अप्लाई कर सकते हैं वी रिलेटिव 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 इज इज इक्वल इक्वल टू टू यू यू प्लस प्लस ए ए टी 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 एंड एस स्क्वायर तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो इस चैप्टर में से टिपिकल क्वेश्चंस जो हमें रिवाइज करने हैं आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल रिवाइज कर सकते हैं उस केस में क्या होता है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया है तो आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप बाकी वेक्टर्स की तरह एनालिसिस करेंगे जैसे हमने बाकी सब डेरीवेशन की हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैन ट्राइंग टू कैच मूविंग बस ठीक है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपने मटेरियल में या अपने बुक्स में रेफरेंस बुक्स में देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के क्वेश्चंस जो होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब मैन इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू कार्स अप्रोचिंग अ जंक्शन ऑन परपेंडिकुलर रोड तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिए हो सकते हैं दो परपेंडिकुलर रोड हैं एक कार यहां से जंक्शन को अप्रोच कर रही है दूसरी कार यहां से अप्रोच कर रही है कार वन है और कार है है तो हमें देखना है कि इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा तो ये क्वेश्चन भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से सॉल्व करते हैं हम इसको ऑब्जर्वर मान लेंगे कार वन को और हम वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन निकाल लेंगे तो वी टू माइनस वी वन जो वेक्टर्स हैं आप उनको सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास आएगी तो ऑब्जर्वर अपने फ्रेम में रेस्ट पे रहता है और दूसरी कार उसको ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी तो आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए ये जो लाइन है ये जो एंगल्स हैं ये सब आप सॉल्व करेंगे और फिर ओरिजिनल पोजीशन से इस लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दिस वॉज द रिविजन फॉर द टॉपिक मोशन इन अ प्लेन If you found this video useful do like it and share it with your friends please do not forget to subscribe to our channel thank you so much for watching